ग्वालियर में नाना का देहांत होने पर परिवार सहित भिंड गए परिवार के सोने घर के ताले छटका कर चोर नकदी गहने सहित अन्य कीमती सामान पार कर ले गए। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर की है। घटना का पता उस समय चला जब पीड़ित वापस आया तो घर का सामान बिखरा देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। चोरी किए गए माल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। घर में यह रुपए किसी को देने के लिए रखे थे। उपनगर ग्वालियर के चंद्रनगर निवासी राहुल सिंह पुत्र अशोक सिंह प्राइवेट जॉब करता है। बीते रोज उनके नाना का भिंड के नसरोल गांव में देहांत हो गया था तो वह पत्नी बच्चों के साथ फेरा करने गया था। इसी बीच चोरों ने उनके सोने घर के ताले चटका कर अलमारी में रखे 28,800 रुपए के साथ ही करीब 1 किलो चांदी, 2 तोला सोने के जेवर सहित अन्य सामान पार कर दिया। घटना का पता सुबह चला जब वह वापस आए तो ताले टूटे पड़े थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। मामला समझ में आते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को पीड़ित ने बताया कि उसके ऊपर कुछ कर्जा था जिसे पटाने के लिए उसने 2 दिन पहले ही पट्टी उठाई थी, लेकिन अचानक नाना का देहांत होने पर वह भिंड चला गया और चोर वो रुपए भी ले गए। नकदी जेवर सहित 1.5 लाख का माल पार झांसी रोड थाना क्षेत्र के आश्रम अपार्टमेंट प्रताप नगर निवासी कुसुम पत्नी पुरुषोत्तम गोयल के घर पर चोरों ने धावा बोलकर नकदी गहने सहित अन्य कीमती माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता चलते ही पीड़िता थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है जिससे चोरों का सुराग मिल सके।